अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान शेख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेख पोल्ट्री फार्म। इंतहाई माजरत के कुछ दिनों से मैं मसरूफ़ था और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। तो यहाँ हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, तो कल मैं गया हूँ अपने पोल्ट्री फार्म में, तो मैंने जब ये देखा है तो बाकी मुर्गियाँ बिल्कुल ठीक खड़ी थी सारी, और ये मुर्गी इस तरह नीचे पड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं अपनी ये टांगों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैंने इसे चेक किया है तो फिर मैं बाहर लेके आया हूँ और मैंने कहा इसका ट्रीटमेंट भी करता हूँ, चलो साथ आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इसका इलाज कैसे करते हैं। तो ये इसको एक तो गालबन ठंड की वजह से इसका इशू है और दूसरा ज़रा वीकनेस की वजह से, क्योंकि जब ठंड मुर्गी को लगती है वो अपनी सारी जो एनर्जी होती है वो खुद को ना ज़रा गर्म रखने के लिए यूज़ करती है, तो ये अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पा रही। तो इसका इलाज बिल्कुल सिंपल सा है जो मैं ट्राई करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। एक इंजेक्शन है वो मैं लेके आया हूं और अभी दिखाता हूं। ये आप देखें, ये है इंजेक्शन और ये इंजेक्शन मैं दो लेके आया हूं। एक मैंने अपना डाल लिया सरंज में, ये नैरोबियन का इंजेक्शन है, ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन मार्केट से 25 रुपये का एक इंजेक्शन मिल रहा है। ये कोई इतना महंगा नहीं है और इंतहाई सस्ता सा इलाज है। और इसका जो मुर्गी को देने का तरीक़ाकार है उसके दो मेथड है, एक तो ये है कि आप उसे इंजेक्शन लगा सकते हैं और दूसरा प्रोसेस जो है वो आप इसे पिला सकते हैं, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो ये इंजेक्शन देख सकते हैं, ये है 1 cc, मतलब तकरीबन 1.5 cc तक होता है, तो मैंने ना इसे हाफ़ इंजेक्शन इसे पिला दिया है। तो पिलाने के बाद दूसरे दिन मतलब तकरीबन 3 घंटों बाद मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मुर्गी अपने पाँव पे